हेलो गाइस, तो आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है आपके लिए। खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि आंसर की है वो आपकी आउट हो गई है। आज आपके लिए इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आप किस तरीके से निकाल पाओगे। तो आइए बिना किसी देर करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ अपडेट, जो अभी की अपडेट है। आज 1 अगस्त है, अभी अपडेट आई है, ये आप देख पा रहे हैं सामने 1 अगस्त 2021 का ये अपडेट है जो कि आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से आ गया है आपके लिए। आंसर शीट आप देख पाएंगे इस वीडियो में, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी आंसर की 2021 CEN 119, समझ रहे हैं गाइस। और ये आंसर शीट PDF डाउनलोड, तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। किस तरीके से करेंगे पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए पूरा, तभी आपके लिए फुल डिटेल जानकारी मिलेगी। तो आइए नीचे की तरफ चलते हैं आपके लिए लेकर, फिर बता दें। ये देखिए गाइस, हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, बिल्कुल स्क्रॉल कर देना है तो आपको कुछ ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी यहाँ पर गाइस। ये देखिए ओरिजिनाइज्ड बाई रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB, पोस्ट नेम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी NTPC, ठीक है। टोटल वैकेंसीज 35,208, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है गाइस। अब आ जाइए, एग्ज़ाम डेट 28 दिसंबर से 31 जुलाई तक कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। आंसर की मोड ऑनलाइन था, आंसर की डेट अगस्त 2021, आप देख पा रहे हैं गाइस सामने देखिए। और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं वेबसाइट क्लिक हियर, पर आपको यहाँ से क्लिक नहीं करना है, ठीक है। मैं नीचे से आपको क्लिक करके अभी दिखा रहा हूँ, वहाँ से आप सीधे ही निकाल पाएंगे। तो ये देख लीजिए गाइस, आपको दिखा देता हूँ सीधे ही, ये आप देख पा रहे हैं RRB NTPC आंसर की रिलीज डेट 2021। वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, अगर आप ऐसे चले जाओ तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आइए नीचे की तरफ चलते हैं, अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। ये देखिए गाइस RRB CBT आंसर की, और नीचे की तरफ आ जाएंगे तो ये देखिए गाइस, ये आया आपका मेन टॉपिक, बिल्कुल नीचे आ जाना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके लिए। तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक हियर, रिजल्ट पेज क्लिक हियर। तो यहाँ पर जो रिजल्ट पेज आप देख पा रहे हैं गाइस, ये रिजल्ट पेज है, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर कर देना है। मैं क्लिक हेयर करूँगा जैसे ही आपके सामने रिजल्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस ये मैंने किया क्लिक हेयर, गाइस ये देखिए आपके सामने कुछ खुल के आ गया है, प्रत्याशी लॉगिन कैंडिडेट्स, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लॉगिन कैंडिडेट्स लॉगिन। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर सीधे ही अपना पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। यहाँ पर अपना 19 से आपका स्टार्ट होगा, शायद 19 से हो या 18 से हो, जैसे भी है आपको डाल देना है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, ठीक है। मई ईयर, यहाँ पर डे आएगा, यहाँ पर मंथ आएगा और यहाँ पर ईयर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यह फिल कर देना है, और उसके बाद में गाइस सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ DOV आ जाएगी आपकी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। और नीचे की तरफ आप लॉगिन पे आ जाएंगे, तो लॉगिन पे आपको लॉग इन कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना है सीधे, और आपका जो आंसर की है वो आपके सामने आ जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।